हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग वेल वेलकम टू लीगल डिक्टम यहाँ हम पढ़ेंगे सीखेंगे और समझेंगे लॉ को सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जूडे स्टूडेंट्स की लेक्चर सीरीज को अब ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है रीजन बीइंग हम इसको पढ़ने का तरीका समझ नहीं पाते लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है हम जूर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और याद भी रखेंगे सबसे पहले कॉन्टेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि इस लेक्चर सीरीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे वॉट इज जूअ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन हम ब्रीफली देखेंगे कि ज्यूर स्टूडेंट्स का मीनिंग क्या है नेचर क्या है डेफिनेशन क्या अदर सोशल साइंसिस देन हम स्टडी करेंगे व्हाट इज लॉ लॉ क्या है इसकी डेफिनेशन नेचर एंड काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे देन हम डिस्कस करेंगे लीगल थ्योरीज़ को जिनमें हमारे पास आ जाती है नेचुरल लॉ थ्योरी लीगल रियलिज्म, क्रिटिकल लीगल थ्योरी लीगल पॉजिटिविज्म, कैल्सनस प्योर थ्योरी दैन बात करेंगे सिविल लॉ की सिविल लॉ की काइंड्स को देखेंगे टेरिटोरियल नेचर ऑफ लॉ को देखेंगे क्वेश्चंस क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ़ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ़ फैक्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होता है देन हम स्टेट को डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशन फंक्शंस इसेंशियल्स देन हम बात करेंगे सॉवरनिटी की उसकी मीनिंग काइंड्स की एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स को देखेंगे ड्यूटीज ऑफ कोर्ट क्या हैं फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स क्या होती हैं सोर्स ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे लेजिस्लेशन क्या है क्वाडिफिकेशन ऑफ लॉ कैसे होती है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेच्यूर्स कैसे किया जाता है प्रेसिडेंट्स क्या हैं पार्ट ऑफ जजमेंट कैसे होती है कस्टम्स क्या हैं लीगल राइट्स क्या होते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनरशिप क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन एंड पर्सनैलिटी को डिस्कस करेंगे टाइटल ऑफ राइट लाइबिलिटी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्लीगेशन्स तो ये सारे कॉन्टेंट्स हैं जिनको हम जूर स्टूडेंट्स में पढ़ने वाले हैं सो गाइज विदाउट फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं जूर स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू जेर स्टूडेंट्स सो इंट्रोडक्शन टू जूर स्टूडेंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे एटमोलॉजी देखेंगे इसकी मीनिंग डेफिनेशन जो स्टूडेंट्स एज अ फिलोसफी ऑफ लॉ नेचर क्या है जो स्टूडेंट्स की स्कोप क्या है जो स्टूडेंट्स का काइंडस ऑफ जो स्टूडेंट्स यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ जो स्टूडेंट्स को देखेंगे और लिंक विद अदर सोशल साइंसेज यानी कि जो स्टूडेंट्स का दूसरे सोशल साइंसेज के साथ क्या क्या है ओके द फर्स्ट टॉपिक विच वी गोना कवर इज एटेमोलॉजी के ज्यूरस जो वर्ड है वो ड्राइव कहाँ से हुआ है द वर्ड जोर हैज बीन ड्राइव वर्ड जोरसपोडेंशिया जूर लैटिन के वर्ड जूर्सपोडेंशिया से ड्राइव हुआ है जिसमें ज्यूरिस मीन्स लॉ एंड प्रोडेंशिया मीन नॉलेज और स्किल एज ए होल अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं नॉलेज और स्किल ऑफ लॉ मीनिंग क्या है जूडे का जूडे स्टूडेंट को अगर हम लिमिटेड सेंस में देखें तो इसका मतलब ये है कि लिसिडेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स अपॉन विच एक्चुअल रूल्स ऑफ द लॉ आर बेस्ड यानी कि एक्सप्लेनेशन होती है उन जनरल प्रिंसिपल्स की जिस पर एक्चुअल रूल्स बेस्ड करते हैं लॉ के जितने भी हमारे पास लॉज एग्जिस्ट करते हैं स्टेट के अंदर उनके जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे पास जुड़े स्टूडेंट्स हमें एक्सप्लेन कर देता है एटेमोलोजिकली अगर हम जुड़े स्टूडेंट्स को देखे ये एक ऐसी साइंस है जो हमें लॉ की नॉलेज देती है ठीक है लेना अगर हम बात करें कि ब्लॉक की जो बेसिक यूटिलिटी है वो भी हम जूर से ही लेते हैं इसके अलावा अगर हम एज अ होल देखें बात करें जूरियर स्टूडेंट्स की तो जूरियर स्टूडेंट्स को नॉलेज ऑफ लॉ भी कहा जाता है स्किल ऑफ लॉ साइंस ऑफ लॉ इसको ग्रामर ऑफ़ लॉ भी कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर लॉ की सारी इंफॉर्मेशन होती है इसलिए हम इसको ग्रामर ऑफ़ लॉ या डिक्शनरी ऑफ लॉ भी कहते हैं जूर स्टूडेंट्स इज आई ऑफ़ लॉ और इट इज़ द मदर ऑफ़ ऑल द लॉज ठीक है नाउ मूव टू द डेफिनेशंस जूरिस पोडेंस को डिफरेंट जूरिस्ट्स ने किस तरह डिफ़ाइन किया है दर इज़ नो यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ ज्यूरसप्यूडेंस सिंस पीपल हैव डिफरेंट ideologies थ्रू आउट द वर्ल्ड सो हम डिफरेंट ज्यूरस्ट के थाट्स देखते हैं कि वो जूर स्प्यूडेंस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं तो सबसे पहले सर जॉन सॉलमेंट ने हमारे पास जूर स्प्यूडेंट को टू सेंस में डिफ़ाइन किया है एक नेरो सेंस में और दूसरा वाइडर सेंस में नेहरू में सर जॉन सॉलमिन कहते हैं कि ज्यूर स्प्यूडेंस इज लिमिटेड टू द बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ यानी कि ये लिमिटेड है बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तक ठीक है और वाइडल सेंस में वो ये कहते हैं कि ज्यूर स्पूडेंस इज अ साइंस ऑफ सिविल लॉ यानी कि उन्होंने एज अ होल सिविल लॉ की साइंस कह दिया है ज्यूर को ठीक है साइंस का मतलब है सिस्टमैटिक नॉलेज और सिविल लॉ जो हमारे पास है वो लॉ ऑफ लैंड को कहा गया है ठीक है इन दिस वाइड सेंस ड्यूर स्टूडेंट्स इज क्लासीफाइड इंटू थ्री डिविजन्स सबसे पहले आ जाती है एक्सपोजिटिव सेकेंड इज हिस्टोरिकल एंड थर्ड इज क्रिटिकल एक्सपोजिटिव जो है वो कंसर्न है लॉज अभी एग्जिस्ट करते हैं या जो पास में थे उनकी लीगल एक्सप्लेनेशन देती है उसके सिस्टम की लीगल एक्सप्लेनेशन देती है ये एनालाइज करती है प्रेजेंट सिचुएशंस ऑफ लॉ को ठीक है इट एक्सप्लोर्स एंड ओपनली एक्सप्लेन लीगल सिस्टम को एक्सप्लोर भी करती है एक्सप्लेन भी करता है कि लॉ क्या है वॉट इज़ लॉ इट्स काइंस व्हाट इज़ टाइटल व्हाट इज़ पोजेशन ऑनरशिप क्या होता है ये सब आ जाता है एक्सपोजिटिव में ठीक है जब हम अगर बात करें हिस्टोरिकल की तो हिस्टोरिकल कंसर्न है डिवेलपमेंट यानी कि कौन कौन से स्टेजेस से पास होके जो लॉ पहले था कैसा था और अब वो कैसा एग्जिस्ट करता है क्रिटिकल में हम बात ये नहीं करते कि लॉ कैसा था या कैसा है बट हम इस पे बात करते हैं कि इसको कैसा होना चाहिए कि ये आइडियल स्टेट में एग्जिस्ट करे इट कंसर्न्स विद द एनालिसिस ऑफ लॉ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स गुडनेस एंड बैडनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखते हैं इट क्रिटिकली एनालाइजिज द लॉस वेदर दे आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी इट इट एनालाइज लॉ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू मोरालिटी अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ पीपल सो दिस इज़ अबाउट क्रिटिकल लॉ नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हम देखेंगे जूलियस स्टोन की जूलियस स्टोन ने जूरियस uh, पुरेंस को डिस्क्राइब किया है एज अ लॉयर एक्स्ट्रा वारियन इसका मतलब ये है कि जूरियसपूर इनवॉल्व करता है एग्जामिनेशन ऑफ आइडियाज एंड टेक्निक्स ऑफ लॉ ये मतलब ये है इसका की जूरियसपूर के अंदर आ जाता है एग्जामिनेशन यानी की जूरियसपूर एग्जामाइन करता है देन वी कम नेक्स्ट डेफिनेशन इज जो है वो एक रोमन जूरिस्ट है और उन्होंने डिफाइन किया है जूरियस पोरेंस को ऐसे कि

कंसर्न रहे ये नहीं कि कैसा होना चाहिए उस चीज़ की तरफ हम नहीं जाएंगे इसको क्लासिफाई किया है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम जूर को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं एक आ जाता है जनरल ज्यूर और दूसरा आ जाता है पार्टिकुलर ज्यूर जनरल ज्यूर कंसर्न होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स जो कि तमाम नेशंस के लिए कॉमन है और पार्टिकुलर जूर कंसर्न होता है और एक्सप्लेशन ऑफ दो प्रिंसिपल जो कि डिटरमाइंड है स्पेसिफिकली किसी एक नेशन के अंदर ठीक है देन हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हॉलैंड की सर थॉमस हॉलैंड ने डिफाइन किया जूरसपूरस को एज जूरसपूर द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ इन्होंने भी उसको पॉजिटिव लॉ की साइंस ही कहा है लेकिन कौन सी फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ देन हम बात करते हैं कीटन की कीटन ने डिफाइन किया है जूर को कि जूरसपूडेंस इज़ अ स्टडी एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कि उन्होंने कहा दो चीज़ उन्होंने भी कहा कि ये स्टडी है और दूसरी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ठीक है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट यानी कि या ये साइंस है और ये स्टडी है किस चीज़ की जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की सो दैट्स अबाउट अवर टूडेज टॉपिक फर्दर टॉपिक यानी कि नेचर ऑफ ज्यूर स्टूडेंस स्कोप ऑफ ज्यूर स्टूडेंस काइंड ऑफ ज्यूर स्टूडेंट यूटिलिटी इंपॉर्टेंस और लिंक विद अदर सोशल साइंसेज ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन